हेलो फ्रेंड्स, देखो ये हम आपको टोपी बताते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो ये देखो हम 6 नंबर की बताएंगे आपको। तो हमने 2 कलर की ऊन ली है और 10 नंबर सिलाई ली है, तो आप अपनी पसंद की कोई भी ऊन ले सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसमें हमने 6 फंदे डाल लिए हैं और हम 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। हमारे पास कमेंट्स आया था कि 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए कैप बना के बताओ, तो ये हम बताते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखो ये हमारे 6 फंदे हैं और ये पहली सिलाई है। तो इस एक फंदा हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ किया, ये जाली डाल दी, एक जाली डल गई, धागा अपनी तरफ किया, ये दूसरी जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर तीसरी जाली डाल दी, फिर धागा अपनी तरफ किया, ये हमने चौथी जाली डाल दी और एक फंदा हमने फिर ये आप जाली डाल सकते हो। देखो यहाँ से ये जाली हमने फिर डाल दी, ये 5 जाली डल चुकी हैं। तो उल्टी सिलाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे, देखो गांठ वाला ऐसे ही। तो देखो ये हमारी दूसरी सिलाई है और ये हम जाली डाली थी पहले, इसको हम ऐसे बुन देंगे सीधा सीधा, धागा अपनी तरफ किया। देखो अब इस पर ये सीधी फली है, इस पे जाली डालनी है, हर बार इस सिलाई पे ही डालेंगे, फिर इसको सीधा सीधा बुन देंगे, धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डाली, देखो फिर इसको सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर देखो इस पे जाली डाल दी। तो ऐसे ही हम हर बार जाली डालते चले जाएंगे, देखो तब तक जाली डालेंगे जब तक ये हमारा टोपी तैयार नहीं होगी। देखो फिर ऐसे, और जो ही हमारा जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे सादा बुन देंगे, फिर देखो इस पे जाली डाल दी। तो ऐसे ही हम हर सिलाई पे बनाएंगे इसको, जाली के फंदा को बुन लेंगे और जो सीधा फंदा है उस पे हर बार जाली डालेंगे। तो इसको हम जाली डाल के तैयार करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखो ये हमने 6 जाली बना ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36 फंदे हो गए। तो अब हम इसको 2 सिलाई उल्टी और 2 सीधी इसको ऐसे उल्टा उल्टा गांठ वाला ऐसे बना लेते हैं दोनों तरफ से। देखो ये हम टोटल 4 सिलाई बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखो ये हमने ऐसे करके इसको बंद कर दिया है और 2 सिलाई उल्टी बना के। तो देखो इसको ऐसे बंद करना है, ये हमने एक फंदा बंद किया है, ये 2 हो गए हमारे बंद और ये 3, इसके ऊपर से इसको करा। इसी फंदे को देखो हम 1, 2 और 1, 3 हमने 3 बार बुन लिया एक ही फंदे को। फिर से देखो ऐसे बंद करेंगे, इसको बुना और इसके ऊपर से इसको देखो ऐसे ऐसे स्लिप कर दिया, 2 ऐसे स्लिप कर दिया, ऐसे एक फिर इसको बार बार देखो ऐसे ही बुनना है,
ये हमने तीन बार बुन लिया है और फिर से ऐसे, तो हम बार बार इसको ऐसे ही बंद करेंगे। तो देखो ये हमारी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ऐसे करके देखो यहाँ से ऐसे सिलाई कर लेते हैं दोनों साइड से, ऐसे इसको सिल के तैयार करते हैं। तो देखो ये हमारे टोपी सिल के तैयार हो गई है। तो आप चाहो तो यहाँ पर पॉम पॉम भी लगा सकते हो और इसको ऐसे ही देखो बंद भी कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे ही बंद कर देते हैं, पॉम पॉम नहीं लगाएंगे। तो देखो इसको अब सीधा करते हैं, ये हमारी टोपी। देखो ये लेस है टोपी की, ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए टोपी बनके तैयार हो गई। देखो ऐसे आएगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।